Assalamualaikum. Today our topic is rational numbers और ये हमारे 7th class का lecture है, ठीक है? और unit number 2 में हमारा diet is rational numbers. Rational numbers को discuss करने से पहले हम लोग कुछ और numbers को discuss करेंगे, that are natural और counting numbers. Natural counting numbers कौन से होते हैं? जिनको हम अपने nature में observe करते हैं, जिनको हम counting के लिए use करते हैं, ठीक है? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. इसको हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड जीरो. ऐसे नंबर्स जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाए वो क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर्स. होल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसमें क्या आता है? जीरो, वन, टू, थ्री, अप टू सो ऑन, ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट इज जीरो का. सिर्फ जीरो का डिफरेंस है. नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता जबकि होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है और इसको कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. उसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो. ऐसे नंबर्स जिसमें प्लस वाले भी आए और माइनस वाले नंबर्स भी आए इंटीजर्स के साथ, उसमें जीरो भी शामिल हो क्या कहलाएगा? हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे. इंटीजर्स को हम कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं और इसमें हम लिखे मैंने जीरो को सेंटर में लिखा है और जीरो की राइट साइड पे मैंने लिखे हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन और जीरो की लेफ्ट साइड पे मैंने लिखे हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. इट्स मीन इस साइड पे राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं और इस साइड पे हमारे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हमारे जा रहे हैं, ठीक है. और इसको हम कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं. अब हमारे पास आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन पी और क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें. फॉर एग्जाम्पल एक मैंने 1/2 लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है. 1 किसको नॉमिनेट कर रहा है? पी को. और 2 किसको कर रहा है? क्यू को शो कर रहा है. 1 फॉर पी और 2 फॉर क्यू को मिला हमें शो कर रहे हैं. ये है हमारी रैशनल फॉर्म. इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है. 1 पी को शो कर रहा है और 2 किसको शो कर रहा है? क्यू को. अब इसमें बोला है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं. लेकिन हमारा जो क्यू है नीचे डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है. डिनोमिनेटर हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे 3/0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया है? जीरो. तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है. रैशनल नंबर्स में हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. हाँ, ऊपर हमारा जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास जीरो हो सकता है. जीरो और फोर मैंने लिखा है, यहाँ पे जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है पी को और फोर रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को. पी और क्यू की फॉर्म मैंने नंबर को लिखा लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो. इट्स मीन हमारे पास जो रैशनल नंबर होगा वो उसमें डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या बन गए हमारे पास? और रैशनल नंबर्स क्यों क्यों मीन हम रैशनल नंबर्स को क्यों लेटर से डिनोट करते हैं. तो रैशनल नंबर्स क्यों आर नंबर्स दैट इंक्लूड्स इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. तो रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाएं और फ्रैक्शंस भी आ जाएं. फ्रैक्शन में मैंने अभी आपको कांसेप्ट दिया कि पी और क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं नंबर्स को और क्यू हमारा इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए. यहाँ पे देखें क्यू इज इक्वल टू -3/7 कॉमा 1/2 कॉमा 0 कॉमा -5 कॉमा 7 कॉमा 5/9. ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल सीखी है रैशनल नंबर्स की, जिसमें ये देखें -3/7 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है. यहाँ पे साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस का. एंड नेक्स्ट है 1/2, यहाँ भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है 1/2 0. 0 भी हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है. लेकिन 0 के साथ कभी भी कोई साइन हम लोग शो नहीं करते, न्यूट्रल नंबर होता है और 0 के साथ कभी कोई साइन नहीं आता. नेक्स्ट -5, -7, -5/9. तो ये हमारे पास क्या है? कुछ रैशनल